अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म मींस कि उसके बाद वो फर्दर सिंप्लीफाई ना हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 1, 120 एक्स की पावर 2, वाई की पावर 3, जी की पावर 5। तो सबसे पहले आप इसको फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लें। एक्स की पावर 2 टाइम्स लिख लेंगे, वाई की पावर 3 है तो उसे 3 टाइम्स, इसी तरह जी 5 टाइम्स लिखा जाएगा। एक्स की पावर 3 को 3 टाइम्स, वाई एज इट इज आ जाएगा और जी के ऊपर स्क्वायर है तो वो 2 टाइम्स लिखा जाएगा। तो सेम फैक्टर्स आप कैंसिल आउट कर दें। 120 को आप 30 पे डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा। कैंसिलेशन के बाद आपके पास वाई जो है 2 टाइम्स है तो आप वाई की पावर 2 लिख देंगे, जी 3 टाइम्स है तो जी की पावर 3 आ जाएगी और एक्स जो है एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स की माइनस 1। यहाँ पे आपको जो है वो अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यानी अल्जेब्रिक फार्मूलाज अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है और 1 भी स्क्वायर बन सकता है। तो अगर दो अल्जेब्रिक टर्म्स के ऊपर स्क्वायर आ जाए और उनके इन बिटवीन माइनस का साइन हो तो एक बार वो ऐड हो जाएंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट, तो 1 का ही स्क्वायर है, एक बार ये ऐड हो जाएंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। 8 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा, तो 4a ओवर एक्स माइनस 1, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, x प्लस वाई का होल स्केयर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई का होल स्केयर। डिनोमिनेटर को जो है ओपन करने से पहले आप नोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले। तो x प्लस वाई होल स्केयर का फार्मूला है एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस वाई स्केयर, जैसे कि a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, तो इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस वाई स्केयर और ये माइनस 4xy एज इट इज आ जाएगा। अभी हम इस फार्मूले को ओपन नहीं करते। 2xy में से जब आप 4xy को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 2xy रह जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस में है इसलिए इसके साथ सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि अभी तक कैंसिलेशन जो है वो नहीं हुई। अब आप इस फैक्टर को जो है वो ओपन करेंगे x माइनस वाई होल स्केयर को, तो इसका फार्मूला है एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर। अब ये फैक्टर क्योंकि सेम है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो कैंसिल आउट होने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।